अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रुफानवीत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्पैगेटी बनाना सिखा रही हूँ। मेरे पास स्पैगेटी है बेक बॉलर की। ये इसका साइज है। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। आप इसे फिंगर शेप में भी काट सकते हैं, आप इसे राउंड में भी काट सकते हैं और आप इसे क्यूब में भी काट सकते हैं। ये देखें, मैंने भी चिकन रैंडम भी काटा हुआ है। कुछ पीसीज यूँ बड़े हैं और कुछ पीसीज छोटे हैं, लेकिन ये बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें ये प्लेट चाहिए। इसमें है 1/2 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर 2 चुटकी चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को मैंने ग्राइंड किया हुआ है, जो बहुत बारीक पाउडर होता है, आपने वो वाला पाउडर नहीं बनाना। उसके बाद हमारे पास है 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक का इस्तेमाल आप मैरिनेट करते हुए कम रखेंगे, क्योंकि जब हम स्पैगेटी को बॉईल करेंगे हमें तब भी नमक ऐड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे है 2 चुटकी हल्दी पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी ऑप्शनल होता है, इसे हम खाने के कलर और जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर एंड हरा धनिया, सूखा धनिया पाउडर। इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का लेमन, उसको हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। और ये मिक्स की हुई सारे मसाले इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। इस चिकन को हमें 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है। यूँ मैरिनेट करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे है ग्रेवी, यखनी जिसे कहते हैं। आपने 3 से 4 पीसेस लेने हैं चिकन के और उन्हें बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करते हुए इतना सा पानी आपने निकाल लेना है। और अब हम इस पानी को अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर ऐड करेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम अपनी स्पैगेटी को बॉईल करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है और ये है स्पैगेटी। इसे हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। बस इस तरह से आपने अपने बर्तन में जगह बनाती जाने हैं और इन्हें एडजस्ट कर देना है। और हम इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। और अब हम इसे स्टीम देंगे 15 मिनट तक, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। जब तक इसने बॉईल होना है तब तक हम अपनी वेजीज को कट कर लेते हैं। आपकी स्पैगेटी पानी में अच्छे से डिप होनी चाहिए। अब हम इसको स्टीम देंगे, मिलते हैं 15 मिनट बाद। आप स्पैगेटी बॉईल करते हुए उस पर नमक ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने चिकन के पानी के साथ मिक्स किया था। चिकन का पानी जो बॉईल करके आपने ऐड करना है। Thank you.
हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब इसमें हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे तो हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसे मैंने 20 मिनट मैरिनेट किया और फ्रीज़र में रख दिया था। एक दफ़ा हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मैक्सिमम ये 7 से 8 मिनट में बड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपनी वेजेस को भी रेडी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है मेरे पास वेजी ट्रे। मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े टमाटर, टमाटर को भी आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने ली है कैरेट, कैरेट मैंने ली है 3 से 4। रेड कैरेट का इस्तेमाल किया। अगर सीज़न के अकॉर्डिंग आपको रेड कैरेट नहीं मिलती तो आप ऑरेंज कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे है बंद गोभी, बंद गोभी को भी आपने इस तरह से बारीक काट लेना है। ग्रीन कैप्सिकम, ये वेजीज को कम या ज़्यादा करना आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, अगर कम पसंद है तो कम कर लीजिएगा। अब चूंकि आजकल के सीज़न में सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम मिलती है, अदरवाइज़ हम इसमें रेड या येलो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो कैप्सिकम नहीं है इसलिए मैंने ग्रीन कैप्सिकम को ही सबल शिमला मिर्च को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये मैंने 2 बड़ी शिमला मिर्चें काटी हैं। और यहाँ पर है 1 बड़ा कटा हुआ आलू, इन्हें मैंने इस तरह से फिंगर शेप में कट कर लिया है। आलू काटने के बाद आपने फ़ौरन पानी में डिप कर देना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और 3 से 4 अदद भरी कटी हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम खूबसूरत सी अपनी कलरफुल वेजीज की ट्रे को एक साइड पे करते हैं। अब बारी आती है सॉस रेडी करने की। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। चिकन वाले पैन के अंदर ही हम अपना बारीक कटा हुआ सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे। प्याज हल्का सा नरम होने के बाद आपने इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसे सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। आप टमाटर को चॉप फॉर्म में भी काट सकते हैं और आप टमाटर को फिंगर शक्ल में भी काट सकते हैं। टमाटर अच्छे से नरम होने के बाद अब आप ये चेक करके देख लें यहाँ से, ये देखें टमाटर अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट और कैरेट के साथ ही हम ऐड कर देंगे पोटैटोस। और इनके साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। माशाल्लाह कैरेट और आलू का कम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको आपने हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। स्पून से आपने एक एक चीज़ ऐड करते जाना है और उन्हें हल्का हल्का स्टर फ्राई करते जाना है। वेजीज को एक ही दफ़ा नहीं डालते, अदरवाइज जब वो सारी वेजीज हम एक दफ़ा ऐड कर देते हैं तो फिर ये जब मिलके पानी छोड़ती हैं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। बंद गोभी ऐड करने के बाद हमने उसे आधा मिनट स्टर फ्राई किया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ये देखें ग्रीन, रेड, कैबेज, पोटैटो, इनका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि स्पैगेटी बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया है
और जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तब भी हमारे दो तरह के नमक थे, चाइनीज़ नमक एंड सफ़ेद नमक। और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसके साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। अब हम अपनी मज़ेदार कलरफुल वेजीज में मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने एक एक कट के वेजीज ऐड की थी ना, तो ना तो ये बहुत ज़्यादा गली हैं और ना ही इनका ज़्यादा पानी निकला है। अब हमें इसमें ऐड करनी है अपने रेडी किए हुए सॉसेस। अब हम इन वेजीज को बड़े आराम से बड़े सलीके से इन सॉसेस के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मल्टी कलर का कम्बिनेशन रेडी हो गया है। इस स्टेज पे जहाँ स्पेगेटी ऐड करनी होती है वहाँ आप अपनी नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम फील हो तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये है मेरे पास स्पेगेटी बॉयल हैं, इन्हें बॉयल करने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना ताकि ये अच्छे से चिपकना। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, एक एक पीस अलहदा है। अब लो फ्लेम पे आपने इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी झटपट मज़े की रोस्टेड चिकन के साथ स्पेगेटी रेडी है। ये देखिए कितने मज़े की स्पेगेटी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई है, अपना फीडबैक दीजिएगा, इसे मस्ट ट्राई करें। इंजॉय विद योर किड्स, इंजॉय विद योर फैमिली, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।